आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मैजिक रेसिपी एंड ब्लॉग्स में। आज मैं आपके साथ पोटैटो चीज रोल्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनने वाला है और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 5 आलू लिया था उबाल के और उसको ग्रेट कर लिया है। तो आलू को ग्रेट करके ही लेना है, तभी अच्छे से बनेगा, नहीं तो यदि गुठलिया रहेगी तो अच्छा नहीं बनेगा। और अब इसमें लिया है 2 प्याज है, जिसको चॉपर में चॉप किया है फाइनली, और ये शिमला मिर्च है 1 शिमला मिर्च, जिसको बारीक काट के लिया है। थोड़े से कॉर्न है जिसको उबाल लिया है, और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 हरी मिर्च है। और अब इसमें डालेंगे थोड़े से करी पत्ते जिसको बारीक काट लिया है। और अब इसमें डालेंगे चावल का आटा, चावल के आटे की जगह पे आप मैदा ले सकते हैं। तो चावल का आटा और ब्रेड क्रम्स दो चम्मच ली हूँ मैं, और यहाँ डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच आमचून पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला, और जरूरत पड़ी तो बाद में भी और चावल का आटा डाल सकते हैं। और यहाँ नमक लिया है स्वाद के अनुसार, और 1 चम्मच घी लिया है। और घी को डालने के बाद इसे अच्छे से डो की तरह हमें गूंथ लेना है। तो चम्मच हटा देंगे और हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ चावल का आटा 1 चम्मच और मैं ले रही हूँ, तो टोटल मैंने 3 चम्मच इसमें चावल का आटा लिया है। आप चावल का आटा या मैदा जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो यहाँ मेरा डो तैयार हो चुका है, और इधर मैंने लिया है 1 बॉयल, उसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच इसमें डाला है कॉर्न फ्लोर, और इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो पानी डालते हुए इसका घोल तैयार कर लेंगे, पतला सा घोल बनाना है हमें। ये देखिए कुछ इसी तरीके का घोल चाहिए। तो अब इधर हाथों पे तेल लगा लेंगे, और इसमें से जो डो हमने तैयार करके रखा है तो इसमें से 1 गोली लेंगे, उसको इस तरीके से फैला लेना है। और यहाँ मैंने चीज लिया है, तो चीज इसमें आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, यानी मोजरेला या चीज पीस कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ रोल 1 तैयार हो चुका है, इसी तरीके से सारे रोल बनाएंगे, और इस रोल को जो घोल बना के रखा था इसमें डाल देंगे, और उसके बाद से इसे हम ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। तो यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है, और अब इसमें अच्छे से इसको कोट कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से कोट हो गया, और अब इसी तरीके से सारे कर लेंगे, उसके बाद से इसे हम तल लेंगे। तो यहाँ तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल रहे हैं, और उसके बाद से आंच को मीडियम कर दिया है ताकि अंदर तक अच्छे से सिक जाए। और अब इसे उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो ये देखिए यहाँ मेरा रोल तैयार हो चुका है, तो अब इसे निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने इसे सर्व किया है केचप के साथ, और ये कितना यम्मी दिख रहा है। ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से एकदम चीजी चीजी सॉफ्ट सा बना है। तो आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसे हम बच्चों की बर्थडे पार्टी में भी बना सकते हैं, और ऐसे भी शाम के नाश्ते में बना सकते हैं। तो यम्मी यम्मी सा हमारा नाश्ता तैयार है, और ये देखिए देख के मन में लालच आ रहा है। तो कैसा लगी वीडियो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।